देखो बहुत मीठा अनुष्ठान है, एकदम मीठा मीठा, लेकिन आप लोग कर नहीं पाओगे, मुझे पता है। सुन तो रहे हो लेकिन नहीं कर पाओगे। मुश्किल कुछ भी नहीं, एक रुपए का भी खर्च नहीं, लेकिन कर नहीं पाओगे, मुझे पता है। फिर भी बता देते, जिन सास बहू में नहीं बनती है उनको क्या करना चाहिए। रोजाना कोई ना कोई एक मीठा पदार्थ बनाना चाहिए घर में। एक हाथ दिन हलवा बना दो, एक हाथ दिन खीरी बना लो, एक हाथ दिन मालपुए बना लो, एक हाथ दिन गुलाब जामुन मंगवा लो, एक दिन रसगुल्ले मंगवा लो, एक दिन बेसन की चक्की मंगा लो। 21 दिन तक कुछ ना कुछ मीठा तो बनाना है, या तो बाजार से मंगा। दोनों सास बहु मिलकर के सबसे पहले गौ माता की पूजा करें। पूजा कैसी? गाय माता के जो चार पैर है उनमें खुर होते हैं। अच्छी तरह से सुन लो, आपने बातें कभी नहीं सुनी है पहले। खुर होते हैं, एक पैर में दो खुर होते हैं। एक खुर की पूजा बहू करे, एक खुर की पूजा सास करे। ऐसे चार खुरों की तो पूजा बहू के द्वारा होगी, चार खुरों की पूजा सास के द्वारा होगी। फिर मेरे बहन वो मिठाई का भोग दोनों सास बहू अपने हाथ लगा करके गौ माता को जिमा। फिर आगे जो काम करना है वो थोड़ा सा मुश्किल है, कर लोगे? सास बहू दोनों को खाना खाना है, जो मिठाई बनाई है उसका खुद को सेवन करना है, लेकिन अलग अलग थालियों में नहीं, एक ही थाली में खाना खाना है 21 दिन तक। 22वें दिन दोनों सास बहू में बिल्कुल माता कौशल्या और माता सीता की तरह अपार प्रेम प्रकट हो जाएगा, कर लोगे? एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं सभी। क्या दिक्कत है? अगर घर में शांति आ रहे हो तो सास बहू को एक थाली में खाने में कौन सी समस्या? फिर थोड़ा आगे